दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि अपाची मॉडिफाइल है, अपाची को फुल मॉडिफाई कीजिए। लगभग साल भर से आप लोगों ने कमेंट्स कर रहे थे कि अपाची का मॉडिफाइल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपाची को फुल मॉडिफाई करने वाले हैं। ये जो अपाची आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 8 साल पुरानी अपाची बाइक है और इसको बिल्कुल न्यू करने वाले हैं, एकदम स्पोर्ट लुक में करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। बाइक की स्थिति, बाइक के लुक आप देख पा रहे हैं, इसको हमने कैसे बनाया एक झलक यहाँ भी देख लिया। वीडियो लास्ट तक आप जरूर बनिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, पेज को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, बाइक का कंडीशन पूरी तरह से जो है डैमेज हुआ पड़ा है, आप देख पा रहे हैं। इसको जो है हम पेंट यहाँ पर नहीं करवा कर पूरे में जो है मैट ब्लैक का स्टिकिंग करने वाले हैं। पर देख पा रहे दोस्तों, इसका व्हील वगैरह का कलर भी पूरा निकल चुका है। दोस्तों, पेंट हो या स्टिकर, इसमें लगाने से पहले जो है सबसे पहले इसको पूरी तरह से जो है इसको प्लेन किया जाता है, घस के एकदम स्मूथ बना लिया जाता है। तो एमडी पेपर से पूरी तरह से इसको स्मूथ बना ले रहे हैं। तो दोस्तों, इतने रेपिंग के बाद हमारा जो अनुभव है वो अनुभव हमारा स्टारलाइट पर है। इस पे जो है हम कई वीडियो बना चुके हैं, कई बाइकों में हमने इसको रेपिंग किया है। दोस्तों, इस वीडियो में रैपिंग को हमने ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाया है, क्योंकि ये तो हम बहुत वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है वो इस वीडियो में जो है हमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला है। ये रैपिंग शॉर्ट में ही यहाँ पर आपको दिखा करके खत्म कर देंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है ये काउल रहेगा, इसलिए जो है इसको हमने यहीं तक किया है। तो इस बाइक में जो हम पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं ये मेड ब्लैक है दोस्तों, और ये स्टार लाइट का है और थिकनेस में लगभग 200 माइक्रोन के आसपास का इसका थिकनेस है और काफी अच्छा है। ग्लॉस शाइनिंग भी ठीक ठाक है, मेट में जो शाइनिंग होता है उसका शाइनिंग उस हिसाब से इसका शाइनिंग अच्छा है। मेट ब्लैक का काम लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये सब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्लोसी या फिर कार्बन यहाँ पर लगा देंगे, साइलेंसर कर देंगे। टैंक में कंप्लीट हो गया है, मिडगार्ड में कंप्लीट हो गया है, देख पा रहे हैं बाजर अभी बाकी है और यहाँ पर हमने लगा दिया है। ये जो आप देख पा रहे हैं कलर से खराब लग रहा था, ये आपका प्लास्टिक जब निकलेगा तो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इसमें ग्रिल का काम है, व्हील देख पा रहे हैं, व्हील हमने खुलवा दिया है इसका दोनों व्हील और इसको अभी पेंट के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, देख पा रहे हैं व्हील को हमने पेंट के लिए लाया है और देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रुखड़ा है, खुरदरा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम पुट्टी का इस्तेमाल करवा रहे हैं। पुट्टी लगा देने से ये क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा और इसके ऊपर से फिर पेंट होगा दोस्तों, तो काफी ग्लोसी आए। तो दोस्तों, देख पा रहे पहले हमने स्पेस में जो है व्हाइट करवा दिया है, अब इसके ऊपर से जो है न्यून लगेगा तो ये काफी अच्छा रहेगा और लाइटिंग ऊपर के सामने आएगा। ये पेंट बन रहा है, ओरिजिनल पेंट है, देख दिखाएंगे तो कैमरा में पेंट पड़ जाएगा। और तो ये ब्लैक फाइबर पार्ट है और इसको हम यहाँ पर कार्बन फाइबर इंस्टॉल कर रहे हैं और इसमें जो है पहले से कार्बन फाइबर का डिजाइन दिया हुआ था। और यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, ये जो है आपका काउल है, साइड वाइजर, इसको भी यहाँ पर मैट ब्लैक हम शॉर्ट में लगा करके आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बाद फिर जो भी ब्लैक फाइबर है पार्ट है जो अपाची का ब्लैक वाला, वो सबको भी यहाँ पर कार्बन फाइबर मैट ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक के साथ पूरे में इसको इंस्टॉल कर देते। ये साइड फाइबर है और इसमें ग्लॉसी और मैट के साथ और कार्बन फाइबर का डिजाइन किया हुआ रहता है जो कंपनी के साथ रहता है, लेकिन ये खराब हो गया है तो फिलहाल इसमें हम जो है एक ग्लॉसी के साथ जो है कार्बन फाइबर और ग्लॉसी का जो है यहाँ पर डिजाइन कर दे रहे और ये देखने में बिल्कुल न्यू हो जाएगा। दोस्तों, ये फाइबर पेंट नहीं होता दोस्तों, आपको बता दें, इसको अगर आप पेंट करेंगे तो इसमें पेंट निकल जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप कभी भी कुछ करवाए तो यहाँ पर जो है आप रैपिंग ही करवाए, क्योंकि यहाँ पर स्मोक ब्लैक बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पकड़ बना लेता है। और कार्बन फाइबर जो हमने लगाया, कार्बन फाइबर ये देख पा रहे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छे से पकड़ बना लिया, बिल्कुल न्यू हो गया। और व्हील भी हमारा यहाँ पर पेंट हो गया है, इसमें एक डिजाइन हुआ है, बाद में आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एग्जॉस्ट का कवर है, इसमें भी हम मैट ब्लैक लगा देंगे। फाइनली दोस्तों, ये मेड ब्लैक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और अब आता है बारी इसका डिजाइनिंग का। तो अब इसमें हम जो है येलो कलर का डिजाइनिंग करते हैं। व्हील वगैरह सारा कुछ पेंट करा दिया है, सीट भी हमने जो है यहाँ पे बनवा दिया है। यहाँ पर येलो का डिजाइन होगा, जो कलर का यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे वही डिजाइनिंग जो है सीट में भी हम करेंगे और पैनल में भी होगा, साइलेंसर एग्जॉस्ट में भी होगा और जो है मिडगार्ड और शोकर सारा कुछ सब जगह पे होगा। आप देख पा रहे हैं सब जगह जो हमने मेट ब्लैक और ब्लैक का जो है कॉम्बिनेशन इसमें डाल दिया है। अब बारी आती है इसकी येलो की डिजाइन की, तो फटाफट से जो काउल वगैरह ये सब में सारा कुछ जो है डिजाइन करके आपको फाइनल लुक इसको दिखाते हैं।
तो डिजाइनिंग भी दोस्तों काफी जबरदस्त होने वाला है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक इस बाइक को हम बनाने वाले हैं। एकदम येलो कलर से आप देख पा रहे हैं, और इसमें जो भी हम डिजाइनिंग करें दोस्तों ये बिल्कुल हैंड वर्क है, यहाँ पर बिल्कुल हमने हैंड से इसको वर्क किया है, काफी खूबसूरत काफी यूनिक लगेगा। एंड तक देखिए वीडियो को, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बाइक में जो है व्हील वगैरह हमने आपको दिखाया, पेंट कराया है, साइलेंसर वगैरह हमने इसमें पेंट कराया है, जो भी स्टिकरिंग बनाया वो हमने अपने सिस्टम कंप्यूटर से बनाया दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी यूनिक लग रहा है। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, आप लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये वीडियो बनाने में हमें लगभग 15 से 20 दिन का समय लग गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देख पा रहे ये जो लेटर है ये स्पोर्ट लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसको हमने उल्टा करके दिया है, और काफी सारा जो भी लेटर हमने यहाँ पर दिया है सारा लेटर जो है यहाँ पर उल्टा ही डिजाइन में दिया है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत काफी यूनिक काफी अलग लगता है देखने में। और दोस्तों आपको बता दें जो भी लेटर को हमने यहाँ पर डिजाइन किया वो हमने कंप्यूटर से डिजाइन किया है, कुछ ऐसा लेटर है जो लेटर नेट से डाउनलोड करके जो हमने अपने सिस्टम पे पढ़ाया है। दोस्तों देख पा रहे इसका हेडलाइट में भी यहाँ पर स्क्रेच लगा हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल पूरी तरह से न्यू कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम स्मोक ब्लैक यानी ग्लोसी ब्लैक यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं, ये ब्लैक में ग्लोसी देखने में लगेगा काफी खूबसूरत लगेगा, और इसके ऊपर से येलो का बीट देंगे। देख पा रहे ये स्मोक ब्लैक है दोस्तों, इसको पूरे में इंस्टॉल करके और यहाँ पर जो है जो जगह है जो एरिया में जो है लाइट निकलता है इंडिकेटर वगैरह जो रहता है उसमें हम यहाँ पर कट कर देंगे, पार्किंग लाइट वगैरह में कट कर देंगे, काफी यूनिक सा डिजाइन बना करके कट करेंगे, और ये ब्लैक में जो है ग्लो लगेगा देखने में काफी खूबसूरत लगेगा काफी यूनिक लगेगा। ये जो डिजाइन है दोस्तों ये बिल्कुल यूनिक है, और बहुत सारे अपाची में जो हमने यहाँ पर डिजाइन दिखाया है अपने चैनल पर तो इस तरह का डिजाइन नहीं दिखाया, ये थोड़ा सा अलग टाइप में हम यहाँ पर बनाए, काफी खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये बाइक को ही हमने ये डिजाइन को पहले से ही सोच के रखा था, लगभग हम साल भर से ये डिजाइन सोचे थे कि ये अपाची में इस तरह का हम डिजाइन करने वाले हैं पूरे बाइक में, जो कि इस वीडियो में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जॉस्ट में भी हम जो है एग्जॉस्ट का एक स्टिकर है, एक लोगो है जो हमने यहाँ पर बनाया है, जो कि इसको भी हमने उल्टा लिखा है, जो ये आप देख पा रहे हैं ये 160 दोस्तों इसको भी हमने उल्टा लिखा है। पूरे बाइक में जो है हम बिल्कुल यूनिक तरह से इस बाइक को डिजाइन कर रहे हैं, काफी जो है अलग तरह से इस बाइक को हम बना रहे, ताकि ये जब बन के जब तैयार होगा दोस्तों तो बिल्कुल अलग टाइप में लगे, या मार्केट में जब जाएगी तो एकदम बिल्कुल यूनिक लगे। लगभग सारी जगह का जो स्टिकर है वहाँ पर जो हमने ये उल्टा ही दिया है, आप देख पा रहे हैं ये मडगार्ड में भी हम उल्टा ही दिया। और दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए, जो हम नंबर प्लेट बना रहे हैं। बाइक जो है हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, पूरी बाइक को स्पोर्टी लुक दे दिया है, बच रहा है जो सीट है तो सीट में भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइनिंग कर रहे हैं। हालांकि ये जो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों ये रहने वाला नहीं है, लेकिन ये लुक काफी जबरदस्त काफी यूनिक लग रहा है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमने सीट में भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। खूबसूरती के लिए आप यहाँ पर हम दे दिए, तो ये हमारा बाइक कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पर सिनेमेटिक इंजॉय कीजिए।
दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में आपने देखा ये बाइक बिल्कुल व्हाइट थी और इसको हमने मेट ब्लैक का स्टिकरिंग करके और इसके ऊपर से येलो कलर का स्टिकरिंग करके इस तरह का लुक दिया है। और दोस्तों आपको दिखा दे रहे हैं सारा कुछ, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने स्मोक ब्लैक का यूज किया, ग्लोसी यहाँ पर कार्बन फाइबर, येलो यहाँ पर मेट ब्लैक और येलो यहाँ पर जो है येलो मेट ब्लैक, व्हाइट का स्टिकरिंग, ये सब में कार्बन फाइबर यहाँ पर भी हमने मेट ब्लैक का यूज किया है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे ये सब जगह जो है इस सब में भी हमने कार्बन फाइबर का यूज किया है, साथ ही मडगार्ड में और व्हील में हमने यहाँ पर पेंट का यूज किया है और हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक रखा है। कॉल में आप देख पा रहे इंजन गार्ड का जो है यहाँ पर भी मेड ब्लैक के साथ हमने येलो का यूज किया है। ये पूरी तरह से बाइक व्हाइट थी जिसको हमने इसको जो है ब्लैक किया है। यहाँ पर देख पा रहे मेड ब्लैक व्हाइट एंड रे येलो का स्टिकर और यहाँ पर जो है येलो का स्टिकर और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्हाइट का एक हमने दिया। हालांकि ये जो चीज़ है दोस्तों ये नहीं रहने वाला है, ये इसके बैठने के बाद एक घंटा के बाद ये खराब हो जाएगा। हालांकि ये सीट के ऊपर बनानी चाहिए लेकिन हमने इसके ऊपर दे दिया। अगर आप रेसिंग से ये बनवाएंगे तो लंबे समय तक टिकेगा लेकिन ये डिजाइनिंग के लिए हमने ये दिया। हर पेट में आप देख पा थोड़ा सा ब्लैक का यहाँ पर डिजाइनिंग दे के नंबर दे करके और यहाँ पर येलो का साइलेंसर में हमने स्प्रे पेंट किया है। यहाँ पर एडजस्ट दे दिया है आप देख पा रहे व्हाइट रेड एंड येलो के साथ और ये भी मतलब बिल्कुल खराब हो चुका था साइलेंसर को, यहाँ तक हमने पेंट किया। इंजन गार्ड फोटो सीट आप देख पा रहे पूरे जो है यहाँ पर रेसिंग हमने उल्टा लिखा, बाकी जो भी लेटरिंग का यहाँ पर हमने डिजाइन किया है वो उल्टा किया है जो समझ में नहीं आता। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके फोटो खींच करके आप इसको उल्टा देख सकते हैं, यहाँ मडगार्ड देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपका भाई ने बहुत मेहनत किया इस बाइक में, बहुत मेहनत किया, बहुत दिनों तक इसमें हम मेहनत करके इस तरह का डिजाइनिंग आपके सामने लेकर के आए। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, किसी तरह का सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, हम रिप्लाई जरूर करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर मेहनत किया है। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।